क्योंकि देश के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ दोबारा ये आ नहीं सकते। ये इतना भोला नहीं है, हम समझाएंगे उस समाज को कि इनके जुमलों में ना आए। इतना मुगलों ने नहीं लूटा, इतना इस देश के अंदर ऊंट चाक के कितने लोग आए, किसी ने इस देश को नहीं लूटा जितना इस समय बीजेपी लूट रही है। इस देश की जनता को बिल्कुल कंगाल और सही, अपना लोकतंत्र स्वस्थ रखना है तो अब आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए। तो भैया बुलाएंगे ना, उन्हें पता है कि अब खिसकती दिखाई दे रही है क्योंकि देश के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ दोबारा ये आ नहीं सकते। और जहाँ जहाँ है खासकर यूपी में इनको चोट लगने वाली है, और ऐसी चोट लगने वाली है एंड टाइम पर अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गई तो उत्तर प्रदेश से तो इनकी सीटों का समाज पार्टी बहन जी ने तो क्लियर कर दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं देखिए, नेता का बयान कुछ और होता है, एंड टाइम पर करने वाला कुछ और होता है। आप और मैं इसका कैसे आकलन कर सकते हैं कि वो उस समय पर क्या होगा? भैया खुद को ही बचा कर रखना, समाज को ही बचा कर रखना है। जो इंडिया गठबंधन में नेता वो कह रहे हैं हमने तो कोई संपर्क नहीं करा बहन जी से, ना हमने कोई न्योता दिया। संपर्क करे, शर्म आनी चाहिए आपको, संपर्क करना चाहिए। जो दलित वोटर पूरे देश भर के अंदर है, जो सारी सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, हर जगह पर उसका वोट बैंक है, ऐसी पार्टी को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और सारे की इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। कहते हैं कि बहन जी गठबंधन में शामिल हो, क्या वो ऐसे चले जाएंगे? नहीं, सम्मान के साथ जाएं, सम्मान के साथ जाएं और सम्मान से वो बुलाएं। इसमें क्या है, सम्मान उनके पास है? इतना वोट बैंक, इतना दलित समाज का वोट बैंक, ये क्या है? तितर बितर बिना किसी नाम और काम के लेना चाहते हैं, क्योंकि कल को कहे भी तुम तो बसपा ही हो, तुमने हमें कोई वोट दिया होगा, मारे पीटे भी छेते भी और उनके आंसू भी ना पहुंचने दे, तो इसलिए चाहते हैं कि तितर बितर होकर वोट मिले। लेकिन हम चाहते हैं बहन जी भी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं। बहन जी में बहुत सूझबूझ है, उन्होंने सत्ता को चलाया है, लेकिन हमारी अपील है। बहन जी ने तो कई बार कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टी को दरकिनार करना, अनदेखी करना सही नहीं है। देखिए तो ये कांग्रेस को अच्छा तमाचा पड़ेगा, ये सत्ता में फिर दोबारा नहीं आ सकते, फिर से बीजेपी आएगी, फिर से इनकी हालत खराब होगी। वो राजघराने के कितने भी सड़कों पे घूम ले, सड़कों पे घूमने वाले अब निकलने वाले सड़कों पे घूम घूम के बनी हुई नेता को सम्मान नहीं देंगे तो इस इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आए वो अब गठबंधन के लिए लेकर जाएं, बहन जी के पास जाएं प्रपोजल लेकर के, वो कह रहे हैं जरूरत नहीं है इंडिया, तो जरूरत नहीं है तो फिर दलित वोट बैंक को आप नहीं ले पाओगे। आप सोच रहे हो कि आप ले भी लें, अब बीजेपी मार रही है, फिर कांग्रेस मार रहा है, फिर बीजेपी मार रहा है, फिर कांग्रेस मार रहा है, आंसू पहुंचने का आप नाटक करते रहे, सड़कों पे बैठने का आप नाटक करते रहे, पंचर जोड़ने का नाटक करते रहे, लेकिन उसका दर्द, उसका जो हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला उस पे आप काम ना करें तो ऐसा नहीं चलेगा। ये नाटक है क्या जो इंडिया गठबंधन बन रहा है? अगर इस देश के अंदर दलितों के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और दलितों के साथ बैठकर उनसे कह रहा है वोट दे दो कानाफूसी कर रहे हैं, तो नाटक ही हो सकता है। सच्चाई कहाँ है? लगता है जो वोट बैंक जिस नेता के साथ लगा हुआ उसको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं दूसरे दरवाजे से वोटर आ जाए लेकिन सम्मान के जरिए वोटर ना आए? इसका मतलब कि जब वो वहां से आएगा तो उसकी कोई हम गिनती नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, सरकार में अगर बनेगी तो सम्मान नहीं देंगे। आप लोग तो कहते रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ही माननीय साहब ने ये पार्टी बनाई थी, अब कांग्रेस के साथ ही जाने। राजनीति 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 में जब हम अपने अपने मुद्दों के साथ जाते हैं, अपनी शर्तों के साथ जाते हैं, ऐसे तो बीजेपी के साथ भी एक समय पर गठबंधन हुआ था, बीजेपी ने भी सरकार में यूपी की सरकार में सहयोग किया था। मायावती की शर्त मान कहां रहे हैं वो लोग? मानेंगे अभी, थोड़ा थोड़ा धीरे आने दो, जैसे जैसे समय आएगा ना इनको अपनी हैसियत पता लगने लग जाएगी, क्योंकि हम जो आज इंडिया जो गठबंधन है इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हमारे वोट को ऐसे ही कूड़े के समान अगर इकट्ठा करके लेने की कोशिश की तो ये भी हम नहीं होने देंगे। आज जो हिंसा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, कह रहे हैं वोट दलितों का, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। देखिए देश के सारे बहुजन नेता इकट्ठे हों, इनकी तभी वैल्यू बनेगी, तभी इज्जत बचेगी। आज अगर बहुजन समाज के नेता इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये बहुजन समाज के नेता भी बर्बाद होंगे और इस समाज को भी बर्बाद करके। लोग कह रहे हैं बहन जी को राहुल गांधी के पीछे नहीं चलना चाहिए, राहुल गांधी को बहन जी के पीछे आना चाहिए। देखिए राजनीति में पीछे पीछे की बात नहीं होती है, साथ बैठे समझौते करें, समझौते पर राजनीति चलती है। कौन रहा सफाई के लिए पूछते हैं आप लोगों को? तो आप वो तब पूछते हैं ना जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है, तो उनके भैंस के तबेले में घुस जाते हैं, भैया जी बहन जी हम आपके रिश्तेदार हैं, वो फलाने जो हमारे वो लगते हैं, हमारे बहनों ही हैं ये है, और फिर वोट ले आते हैं, उनके छलिया है, ठगिया है, और इस तरह दूसरे रास्ते से छल के ठग के वोट ले जाना चाहते हैं। तो ये दलित समाज अब इतना बेवकूफ नहीं है, ये इतना भोला नहीं है, हम समझाएंगे उस समाज को कि इनके जुमलों में ना आए। दलितों क्या करना, दलितों को करना चाहिए कि अपने वोट बैंक को समझे और अच्छे नेताओं को चुने, और उनका जो अपना नेता है उस पर भी दबाव डाले कि चाहे समझौते में थोड़ा नीचे आना पड़े लेकिन समझौता करे। डराया जा रहा है कि मोदी को हराना है तो वोट दो इंडिया। देखिए मोदी को तो इस देश के अंदर हराने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि उस कोशिश में हम सफल कितने होते हैं। आज हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम किया है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही है कि जो हिंसा करने वाली सरकार है वो हटे, तो कुर्सी से हटे। वो भी तो बहुजन है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। देखिए भैया इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियां लेते हैं, इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियां लेते हैं। आप फर्जी, अगर मैं कहीं गई
और मेरे घर का व्यक्ति या मेरे समुदाय का व्यक्ति पिट रहा होगा, कुट रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में दर्द ना हो? मोदी जी ठीक है जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पिछड़े सारे कौन से पिछड़े हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो तो मूर्खता में बना रहे हैं, लेकिन ये बनियों के साथ मिलके बना रहे हैं, ये पूंजीपतियों के साथ मिलके बना रहे हैं, ये तो धन कमाने के लिए बना रहे हैं। पूरे देश को इतना मुगलों ने नहीं लूटा, इतना इस देश के अंदर ऊंट चाक के कितने लोग आए, किसी ने इस देश को नहीं लूटा जितना इस समय बीजेपी लूट रही है। इस देश की जनता को बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल मट्टी पर रखने लायक कर रही है। इसकी शिक्षा लूट ली, टीवी नहीं देखती है, देखिए टीवी नहीं, वो टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है, उनको हटा दीजिए, घर में से फेंक दीजिए, कई सालों से नहीं देखा। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। अगर देश को सही रास्ते पे ले जाना है और सही अपना लोकतंत्र स्वस्थ रखना है, तो अब आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए, तभी आप सही जगह चुनाव को सही जगह वोट डाल सकते हैं। वरना वो इडियट बॉक्स जो पपेट उन्होंने रखे हुए हैं बड़े बड़े पैकेज पर 40-40 लाख पर, उन्हें 40 लाख 50 लाख भैया इसीलिए दिया जाता है कि आपके दिमाग में कचरा डाला जाए और उस कचरे से आप उनकी कचरा सरकार बना दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।